नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 इंडिया न्यूज में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। और आइए खबरों की तरफ एक बार रुख करते हैं। और जनपद चंदौली में मंगलवार को सायंकाल राष्ट्रीय महिला सुरक्षा ट्रस्ट के संस्थापक और कार्यकर्ताओं ने असहाय वयोवृद्ध महिला पुरुषों को वृद्धाश्रम में मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य पर खिचड़ी, पापड़ और सब्जी का वितरण किया। इस दौरान 57 वृद्ध महिला पुरुषों ने खिचड़ी का स्वाद चखा और सहयोगियों से शुक्रिया अदा किया। राष्ट्रीय महिला सुरक्षा ट्रस्ट की संस्थापक महिला उर्मिला देवी ने बताया कि हमारी संस्था द्वारा असहाय वयोवृद्ध महिला पुरुषों को सेवा शुश्रूषा लगातार की जा रही है। संस्था महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के प्रति कृत संकल्पित है और जनपद में शोषित व पीड़ित महिलाओं बालिकाओं को न्याय दिलाने को कटिबद्ध है। इस बाबत संस्था के उप संस्थापक डॉक्टर अनिकेत ने हमारा सौभाग्य कि हमें वयोवृद्ध एवं वृद्धाश्रम में रहने वाले महिला पुरुषों की सेवा करने का अवसर मिला। संस्था द्वारा महिला हित व उनकी सुरक्षा के बाबत विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रबंधक तो सिर्फ आप ही है ना, अपना परिचय दे दीजिए। मैम, मैं राष्ट्रीय महिला सुरक्षा ट्रस्ट चंदौली की प्रबंधक हूँ। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। कैसा लग रहा है वृद्धा आश्रम में वृद्धों की सेवा करके? बहुत अच्छा लगा। आगे ऐसा कार्यक्रम? हाँ, आगे ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे अपने संस्था। ये बताइए, आप खुद एक महिला है और पूरा देश कहीं ना कहीं से महिलाओं का शोषण से बहुत पीड़ित है। कई बार मीडिया की सुर्खियों में आया है, काफ़ी उसके लिए कानून भी बने। अभी क्या कानून होने चाहिए जिससे कि बालिकाएं और महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करें अपने घर से बाहर निकलने में? हम लोग मतलब इस संस्था के माध्यम से हम तो यही सोचेंगे कि समूह बना बनाकर हम मतलब एक दूसरे का सहयोग करें और इसके बारे में प्रशिक्षण दें, महिलाओं को जागरूक करें। जैसे जनपद में आपका और लेडी कहीं ना कहीं से कुछ छिटपुट घटनाएं बराबर आती रहती हैं, तो वैसी महिलाओं के लिए आपकी संस्था क्या सहयोग देगी? सर, सहयोग करेगी और करते बनेगा। ओके। चाहते हैं महिलाएं जुड़ना चाहते हैं या कोई भी हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो उसका मोस्ट वेलकम है हमारी संस्था में जुड़ के काम करना। सर, क्वेश्चन आपके साथ ये रहेगा, ऑलरेडी महिलाएं कहीं ना कहीं से उत्पीड़न और शोषण का शिकार हो रही हैं, जनपद भी इससे अछूता नहीं रहा है, और इस बाबत आपका सुरक्षा ट्रस्ट क्या पहल करने जा रहा है? सुरक्षा हम इस तरह कर सकते हैं, अगर कोई महिलाओं का कोई उत्पीड़न है वो 24/7 हमारे संस्था के नंबर पे कॉल करेगी और हमारी संस्था के जितने भी कर्मठ कर्मचारी हैं उनके वहाँ पहुँच के, चाहे थाने से हो, चाहे वकील से हो, चाहे कचहरी से हो, चाहे DM से हो, वो हम कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हमारे द्वारा।